दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग ख्याल होते हैं। कोई मानता है तो कोई नहीं मानता, तो किस पर विश्वास किया जाए यह कहना मुश्किल है। दोनों विचार वाले अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। हमारी प्रयास बस इतनी है कि यह कहानी आप तक पहुंचे। इस पर मानना ना मानना यह आपके ऊपर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं वो कौन था। तो दोस्तों, आज की कहानी पंकज जी नाम के व्यक्ति की है जो मुगल सराय से झाझा तक सफर कर रहे थे। रात काफी हो गई थी। झाझा आते आते बहुत से यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर चुके थे और ट्रेन लगभग खाली हो गई थी। दो चार आदमी ही ट्रेन में थे। ठंड के कारण पंकज जी को नींद नहीं आ रही थी और वह बाथरूम जाते हैं। बाथरूम से आकर वह देखते हैं कि एक लड़की पंकज जी के सामने वाली सीट पर बैठी हुई है। यह देखकर पंकज जी सोचते हैं कि अरे, यह लड़की तो पहले नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई और ट्रेन तो अभी कहीं रुकी भी नहीं। और यह सोचकर पंकज जी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और एक टीसी ट्रेन के अंदर आता है और वह टीसी सभी लोगों को उठाकर टिकट दिखाने को कहता है और सबका टिकट देखकर टीसी वहां से चला जाता है। यह देखकर पंकज जी सोचते हैं कि टीसी सोए हुए लोगों को भी उठाकर उनसे टिकट देख रहा है, मगर इस लड़की से टिकट क्यों नहीं देखा? क्या टीसी को यह लड़की दिखाई नहीं दी? यह सोचकर पंकज जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगते हैं। ट्रेन के कुछ दूर जाने के बाद सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। तभी पंकज जी देखते हैं कि वह लड़की ट्रेन के बाहर खड़ी है और पंकज जी को बाहर आने का इशारा कर रही है। यह देखकर पंकज जी घबरा जाते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद ही ट्रेन चलने लगती है। तब पंकज जी देखते हैं कि वह लड़की एक भयानक से चेहरे में ट्रेन के साथ साथ चल रही है। तभी वह लड़की अपने दोनों हाथों को पंकज जी की गर्दन की ओर बढ़ा देती है। यह देखकर पंकज जी बहुत डर जाते हैं और ट्रेन में सोए हुए सभी लोगों को उठाने लगते हैं। यह देखकर वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आपका दोस्त आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।